नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED परीक्षा डेट शीट के बारे में। जी हाँ दोस्त, आपके मन में एक ही सवाल होगा कि सर अब दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है तो अब हमारा एग्जाम कब तक होगा। ठीक है, हर एक ऑफिशियल वेबसाइट को देखा जाएगा, चाहे CTET की वेबसाइट हो, चाहे हमारे UPTET की वेबसाइट हो, चाहे दोस्त हमारे BTC की वेबसाइट हो, चाहे DLED की वेबसाइट हो। ठीक है, क्या अपडेट हमें मिल रही है? स्कूटनी का रिजल्ट कब तक आएगा? देखिए, एग्जाम होने से पहले हमारा स्कूटनी का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा ताकि जिन बच्चों का स्कूटनी में क्लियर हो जाए वो बच्चे पेपर ना दें। फेल छात्रों के लिए क्या अपडेट रहेगी? प्रत्यावेदन की क्या अपडेट रहेगी? CTET UPTET नोटिफिकेशन की क्या अपडेट है? फिलहाल आपको बता दें, आज आप इस वीडियो को अगर 1 दिसंबर 2023 को देख रहे हैं तो रात 12 बजे से पहले CTET 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा ऑनलाइन आवेदन करके। फाइनल सबमिट कंप्लीट कर लीजिएगा फॉर्म, नहीं तो आप ठीक है CTET का पेपर 21 जनवरी 2024 को नहीं दे पाएंगे। CTET का पेपर 21 जनवरी 2024 को कराया जाएगा, दिन रहेगा रविवार का। पेपर का मोड है ऑफलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर इस बार नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों DLED परीक्षा डेट शीट को लेकर जो भी अपडेट होगी, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर, हर एक अपडेट को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। कोई भी खबर आज आपसे छूटेगी नहीं। अब देखिए, आपको बता दें, पकड़ हुआ विवाह। जी हाँ दोस्तों, आपको पकड़ कर शादी करा ली गई। देखिए, नव नियुक्त शिक्षक को स्कूल से अगवा कर करा दी गई शादी। तो अगर आप वो शिक्षक बनेंगे तो आपकी डिमांड कितनी ज्यादा रहेगी, जरा आप समझ सकते हैं इस अपडेट से। ठीक है, कोई रास्ता गलत जरूर है, लेकिन आप सोचिए कि जब आप टीचर बन जाएंगे तो आपकी रिस्पेक्ट क्या रहेगी मार्केट में, किस हिसाब से आपको देखा जाएगा। देखिए, ये बिहार से अपडेट आई। बिहार में भी आपको पता है बहुत बड़ी बड़ी शिक्षक भर्तियां चल रही है वहां पर। अभी 7 तारीख से लेकर 15 दिसंबर तक एक और BPSC TRE 2.0 का एग्जाम होना है। हर एक अपडेट को हम आप तक समय से पहले पहुंचाते रहते हैं ताकि आप लोग कोई भी खबर से पीछे ना रहे। ठीक है, सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें चलती हैं, उससे भी आपको बच के रहना है। इस बार जो बिहार शिक्षक भर्ती का पेपर होगा वो 28 जिलों में ही रहेगा, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए सेंटर। ठीक है, और आपको बता दें दोस्तों, जो फर्स्ट राउंड का पेपर हुआ था उसमें 4,700 शिक्षक अभ्यर्थियों का पूरक रिजल्ट अभी एक और आने वाला है। ठीक है, हो सकता है कि आपके जिले से कुछ और बच्चे भी नियुक्ति पत्र पाएं। विभाग के निर्णय पर सवाल उठाने वाले पोस्ट पर 70 से अधिक शिक्षकों कर्मियों को नोटिस जारी होगी। देखिए, आपको बता दें, जब आगे चलकर आप लोग शिक्षक बन जाएंगे ना, तो कभी भी सरकार के खिलाफ आपको पोस्ट नहीं करना। आपका विभाग अगर कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट डालता है, ट्वीट करता है, ठीक है, यूट्यूब पर वीडियो बनाता है, तो आप उस पर निगेटिव कमेंट नहीं करेंगे। देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर शिक्षा विभाग के निर्णय के खिलाफ बयान, पोस्ट और लाइक करने वाले विभिन्न जिलों के 70 से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों से जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय व विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों ने स्पष्टीकरण मांग लिया है। ठीक है, अब उनकी हालत खराब हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी गलती आप लोग सोशल मीडिया पर कर देते हैं, सोचते हैं चलो ओपन मंच है, कुछ भी लिख देते हैं, तो वो काम नहीं चलेगा। ठीक है, जरा ध्यान रखिएगा। और जो लोग काम करते हैं तो भैया उनके पास फेक आईडी पड़ी रहती है। ठीक है, आपका नाम कुछ भी है तो आपने अपने मामा जी के नाम से, मामी जी के नाम से कुछ भी आईडी बना ली, ठीक है, तो अलग मैटर है। DLED में एडमिशन के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट कल होगी जारी दोस्तों, लेकिन ये अपडेट बिहार से। यूपी में दोस्तों DLED में इस बार ताबड़तोड़ एडमिशन हुआ है। आप लोग को पता ही होगा, आपके कॉलेज में इस बार सीटें लगभग फुल चल रही होंगी। ठीक है, एक अच्छी बात है कि DLED में ताबड़तोड़ एडमिशन इस बार देखने को हमें मिला है। ठीक है, आने वाले टाइम में आपका भविष्य उज्ज्वल रहेगा। परीक्षा डेट शीट की बात कर ले कि सर हमारा प्रथम सेमेस्टर का पेपर कब तक होगा? जो हमारा DLED 2023 बैच है और बैक पेपर के छात्र जो DLED 2022 से हैं, और ये देखिए 23 बैच, ठीक है, 22 और 23 बैच। ठीक है, सभी बच्चे 8 विषयों पर ध्यान देंगे। बाल विकास, शिक्षण, अधिगम का सिद्धांत का पेपर ये 50 नंबर का, ये भी 50 नंबर का। विज्ञान का पेपर 25 नंबर का, गणित का पेपर 25 नंबर का, सामाजिक अध्ययन 50, हिंदी 25, संस्कृत उर्दू 25 नंबर का, कंप्यूटर 25 नंबर का। ठीक है, ये ऑप्शनल पेपर होता है। देखिए, संस्कृत लीजिए या आप उर्दू लीजिए, दोनों आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो देख लीजिएगा। आपको बता दें, जो पेपर होगा वो बहुत ही कठिन पेपर नहीं आता। देखिए, बैक आपके लगनी एक अलग वजह है। बैक क्यों लगती है हम आपको क्लियर करते। देखिए, पहले दिन आप दो पेपर देते हैं, बाल विकास, शिक्षण, अधिगम का सिद्धांत। दूसरे दिन दोस्तों आपको विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन का पेपर देना रहता है। विज्ञान का पेपर आपका देखिए सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, और गणित का पेपर 11:30 से 12:30। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो DLED की पहले परीक्षा डेट शीट बनती थी पहले, ठीक है, उसमें ये रहता था कि जो हमारा विज्ञान का पेपर 10 से 11 रहता था, लेकिन दोस्तों जो गणित का पेपर 12 से 1 रहता था, 1 घंटे की गैपिंग होती थी, उसमें बाहर निकल कर आप लोग अच्छे से रिविजन करते थे। लेकिन DLED में पेपर लीक की घटनाएं इतनी ज्यादा होने लगी, जिस वजह से इसको चेंज कर दिया गया। ठीक है ना,
अगर आप लोग हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए पहले, 8738079216, ठीक है, 8738079216, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करते समय आप लोग अपना नाम और अपने जिले का नाम मेंशन करिएगा। बाकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर दी है बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हर एक विषय की जो आप 8 विषय देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर वीडियो आपको मिलेगी, बस उतना पढ़ लीजिएगा आप एक अच्छा स्कोर कर जाएंगे। 50 नंबर में से पास होने के लिए 25 नंबर, 25 में से पास होने के लिए 12 नंबर, यही चाहिए होता है। बाकी दोस्तों टोटल आपका 800 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक है, तो आपको बता दें 800 में से 525 नंबर आपके प्रैक्टिकल के और 275 नंबर आपके लिखित परीक्षा के रहते हैं। 525 में से 520 नंबर आसानी से आप प्राप्त करेंगे कॉलेज के माध्यम से, और 275 में से अगर आपने 200 नंबर भी ले आए तो ये बन गए 720 नंबर। टोटल हो गया 800 गुणे 100 कर दीजिए, ये आपकी परसेंटेज आ जाएगी, 90% आप इजीली स्कोर कर जाएंगे। जो बच्चे कभी आज तक 75% स्कोर नहीं किए वो बच्चे डीएलएड में आके 85 से लेके 95% तक स्कोर करते हैं, ठीक है ना। तो यहीं से आपका भविष्य बदलेगा। और बीएड अब है नहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, एनआईओएस डीएलएड भी बाहर है, बीएड भी बाहर है, तो भैया आपका ही बोलबाला है, अब आप ही हर जगह हैं, ठीक है। अब नौकरी नहीं पाएंगे तो फिर यही होगा कि आपने लापरवाही की है, यही माना जाएगा दोस्तों, सिंपल सी बात आपको बताते हुए चले तो, ठीक है। तो देख लीजिए तृतीय सेमेस्टर परीक्षा में देखिए तो बैक पेपर होगा फोर्थ सेमेस्टर, ये दोस्तों हमारा सेमेस्टर एग्जाम की तरह देखा जाएगा। देख सकते हैं सीटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख लास्ट डेट एक्सटेंडेड अप टू 1 दिसंबर 2023, ठीक है। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि फोटो अपलोड नहीं हो रही थी, सिग्नेचर में दिक्कत थी, इस वजह से अंतिम डेट को बढ़ा दिया गया। इसके बाद सीटेट में ऑनलाइन करेक्शन शुरू किया जाएगा, ठीक है। अभी आपको एक करेक्शन का मौका मिलेगा, अगर फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती हुई है तो उसको आप सुधार सकते हैं, ठीक है। तो सीटेट में एक अच्छी बात रहती है कि आपको सुधारने का मौका मिल जाता है, बाकी ठीक है ध्यान दीजिएगा। और सोशल मीडिया के अफवाह से थोड़ा सा बच के रहेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें चलती हैं। एक बात आपको बता दें, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। 25 नंबर का पेपर होता है तो 5 बहुविकल्पीय, 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 7 लघु उत्तरीय क्वेश्चन या 14 नंबर के ये आते हैं, तो 6, 5, 11, 14, 25 नंबर होते हैं। 50 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है 15 बहुविकल्पीय, 15 अति लघु उत्तरीय और 10 क्वेश्चन लघु उत्तरीय के, जो कि 20 नंबर के होते हैं, तो 15, 15, 30 और 20 हो गया 50 नंबर, ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन पेपर ऐसा बनेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, सोशल मीडिया के हर एक अफवाह से आपके बच के रहना है। बाकी जो भी अपडेट आएगी, छोटी अपडेट बड़ी अपडेट, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, जरा इस अपडेट को देखते हुए चले, ठीक है। रेपरा गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पढ़ा रहे बीपीएससी से चयनित शिक्षक को कुछ लोगों ने अगवा कर शादी करा दी। मैयाम मालपुर गांव निवासी गौतम कुमार ने हाल ही में स्कूल में योगदान दिया था। बताया जाता है कि बुधवार की शाम, ठीक है, बोलेरो सवार कुछ लोग स्कूल पहुंचे और शिक्षक का अपहरण कर लिया। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया और उसकी निशानदेही पर पूरी रात छापेमारी करती रही। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने बुधवार देर रात तक लगभग 1 घंटे तक महुआ ताजपुर मार्ग को जाम रखा। गुरुवार की सुबह तक जब शिक्षक का कुछ नहीं पता चला तो ग्रामीण उग्र हो गए और सिमना चौक के पास सड़क को 8 घंटे तक जाम रखा। इस बीच गुरुवार की दोपहर परिजनों को सूचना मिली कि रेपुरा गांव में शिक्षक का पकड़ुआ विवाह करा दिया गया है। इसके बाद पुलिस ने 1 घंटे के अंदर, ठीक है, अपहरण शिक्षक और लड़की को बरामद कर थाने पर ले गई। शिक्षक के परिजनों का आरोप है कि पातेपुर थाना के रेपुरा गांव निवासी राजेश राय ने गौतम का अपहरण करने के बाद पिस्टल का डर दिखाकर अपनी बेटी चांदनी कुमारी से पकड़ुआ विवाह करा दिया है। शादी से मना करने पर शिक्षक से मारपीट भी की गई। इस मामले में स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक ने भी थाने में ड्यूटी के दौरान शिक्षक का अपहरण करने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई है। इस संबंध में अपर थाना अध्यक्ष हसन सरदार ने बताया कि कथित तौर पर अपहरण शिक्षक को बरामद कर लिया गया है। परिजनों के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, ठीक है। अपहरण शिक्षक का कोर्ट में बयान दर्ज कराया जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पकड़ुआ विवाह हुआ है। तो भैया ये है आपकी डिमांड, जब आप लोग आगे चलकर शिक्षक बनेंगे तो सोचिए दोस्तों आपके लिए लाइन लग जाएगी। हो सकता है कि आज आपको कोई, ठीक है, ध्यान ना दे रहा हो, आपके लिए कोई शादी के लिए अच्छा रिश्ता ना आ रहा हो, फिर उसके बाद देखिए आपको अगवा करके आपकी शादी होगी। ये देख सकते हैं ये बिहार से लेटेस्ट घटना है। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। तो दोस्तों वीडियो के अंत में चलिए ऑफिशियल वेबसाइट को जरा देख लिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल बीटीसी की वेबसाइट, यहाँ पर अभी कुछ अपडेट हमें नहीं देखने को मिल रही है।
छात्र पंजीकरण फॉर्म को पूरा करने के लिए अंतिम तिथि की प्रतीक्षा ना करें, ये सब दोस्तों यहाँ पर बातें दी गई हैं। और यहाँ पर देखिए यूपी टेट के लिए आवेदन या डीएलएड बीटीसी में एडमिशन इसी वेबसाइट से हुआ। सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट 1 दिसंबर 2023 की आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी भी आवेदन का प्रोसेस चल रहा है। चलिए वीडियो में वापस आते हैं और बात कर लेते हैं वीडियो के अंत में कि परीक्षा को लेकर क्या अपडेट है, कि सर दिसंबर में जो हमारा एग्जाम होना था वो होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों तैयार रहिए, कम से कम आपको 7 से 10 दिन पहले ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी पेपर को लेकर, क्योंकि जल्दी से एग्जामिनेशन फॉर्म भराकर आपका पेपर करा लिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि नए साल से पहले आपका पेपर हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।